काशी में मोदी की रैली और रोड शो के बाद जैसे मानो महातूफान उठ गया है। कहा जा रहा है कि पूरे पूर्वांचल में मोदी की इस रैली से महातूफान आने वाला है और उन तमाम प्रत्याशियों को इसका फायदा मिलने वाला है जो पूर्वांचल से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी की रैली और रात में हुए रोड शो में जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी उसको देखते हुए साफ कहा जा रहा है कि मोदी का जलवा और उनका जादू अभी भी कायम है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पूर्वांचल से चुनाव लड़ रहे मुख्य प्रत्याशी क्या निरहुआ की जीत पर भी मोदी की रैली के बाद मोहर लगने वाली है? क्या निरहुआ की जीत अब पक्की मानी जा सकती है? दरअसल गुरुवार को काशी में हुए पीएम मोदी के मेगा रोड शो में सड़कों, घरों, छतों पर भारी जन सैलाब देखने को मिला। रोड शो में पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अब लोगों में मोदी के लिए क्रेज देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के टिकट पर आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे निरहुआ और गोरखपुर से रवि किशन को इसका फायदा मिलने वाला है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण सीटें हैं और मोदी के रोड शो ने इससे निरहुआ और रवि किशन की राहें आसान कर दी हैं। आपको बता दें कि आज मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में मेगा रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के बाद वो गंगा आरती में शामिल हुए और फिर लोगों को संबोधित किया। रोड शो में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा उससे पीएम मोदी भी अभिभूत हो उठे। जन सैलाब के बीच मोदी का काफिला जहां जहां से गुजरा उन पर फूलों की बरसात की गई। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मोदी की इस रैली का फायदा निरहुआ सहित पूर्वांचल से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को मिलेगा? क्या पीएम की इस रैली से निरहुआ की जीत पक्की हो गई है? क्या है इस पर आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और साथ ही पूर्वांचल की ऐसी ही लगातार ताज़ा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।